हेलो, इसी के साथ हम दोबारा निकल गए हैं एक नए सफर पर। पीयूष के फर्स्ट ब्लॉग में पीयूष चौथला की तरफ निकले थे मेरे बर्थडे पर मुझे सरप्राइज देने, और अभी हम दोनों साथ में उसी जगह को रिविजिट करेंगे। ये लॉन्ग पेंडिंग था, शादी के बाद हमें जाना था, दुल्हनता होते हैं उनके पास, इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर हमारी शादी के लिए होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि ये सारे काम हम लोग अभी मूवी में हम जा रहे हैं पूजा प्रार्थना करने। या एक साल हमने मरहस निकाल लिया तो आगे भी ऐसा ही बनाए रखे, तो हम चले चौथला की ओर। ये ऋषिकेश में मेरे भाई भाभी उनको कैच करेंगे, देन हम तीन धारा पे पराठे खाएंगे। हिमाचल का फास्ट फूड काफी खा लिया था। अब हम वही उत्तराखंड के देसी पराठे खाएंगे। दाल भात भी खा सकते हैं, तो यार लंच टाइम पे तो दाल भात ही खाना पड़ेगा, पहाड़ी तो दाल भात ही खाया। यस, सपोड़ा सपोड़ी, और उसके बाद लेट तक पहुंचेंगे, नाइट तक। हाँ, अंधेरा हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। लेट्स सी अगर हमें बाघ मिला रास्ते में, बाघ मिल जाए मजा आ जाएगा। लकी होता है ना, मतलब गाड़ी के अंदर जब हो तब, गाड़ी के जब बाहर हो तब नहीं। चलते हैं चौथला की ओर एडवेंचर करने और थोड़ी सी पूजा पाठ करने। जय माओ प्राय। और इस तरह इस ट्रिप के लिए ऑल एक्साइटेड हम लोग पहुंचे तीन धारा, जहां पे हमने ना पराठे खाए ना दाल भात खाए, हमने खाई पहाड़ी ककड़ी। पहुंच गए तीन धारा। सही नहीं है यार, वो जंक फूड वगैरह नहीं मिलते हैं यहाँ पे, सारा कुछ फ्रेश फ्रेश मिलता है। हाँ, एकदम बढ़िया। मैं ये ककड़ी पे नमक और मिर्च लगा के, नमक पिसने लोड, क्या मजेदार, बहुत बढ़िया। और रास्ते में हमने दर्शन करे देवप्रयाग संगम के, जहाँ पे ये दो अलग कलर्स की रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा फॉर्म करती हैं द होली रिवर गंगा को। श्रीनगर क्रॉस करने के बाद हमने दर्शन करे अलकनंदा रिवर पर बने इस खूबसूरत थारी देवी मंदिर के। एंड फाइनली वी कॉट अप विद योगेश एंड पल्लवी। आओ दीपिका, आपको आपके भाई से मिलाते हैं। साड़ी में ससुराल जा रही है लड़की। हाय वे, ससुराल जा रही है ना। हाय यू, कैसे हो, कैसे लग रहा है, हम गांव जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो, पहाड़ियों में सबसे फेवरेट। And our journey continued on NH7, which goes towards Badrinath. और फिर आता है खाखरा, जहां से हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए राइट मुड़ जाते हैं। यही बैठ जाओ, ऐसा लग रहा है। मस्त लग रहा है ये। चौथला का रास्ता शुरू हो गया, देखो भाई देखो, पहाड़ में कहीं इंटीरियर्स में जा रहे हैं। जंगल हमेशा ये देखना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम शायद और फॉर्चुनेटली हम थोड़ी जल्दी आ गए। यहाँ सिग्नल आ रहे हैं, रास्ता है तो सही है, थोड़ा सा खतरनाक सा स्केरी सा है ना, थोड़ा पेड़ इतने हैं ना, तो लाइट भी और उतनी कम आ रही है। जंगल ही है बट तभी इन जगहों का मजा भी है, बट अगेन फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो चीजें लाइफ टफ है, लाइफ टफ है। वापस चौथला जाते हैं। He is very excited to go this time अपने ससुराल। Oh yeah! I love going to my ससुराल, man. ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, काफी ऊपर आ गए। Yes. अरे एकदम ऊपर ऊपर आ गए हम, एकदम ऊपर ऊपर। बस बोर्ड दिखने ही वाला है चौथला का। हम पहुंच गए। Yes. अरे चौथला का बोर्ड क्या हो गया, चौथला के बोर्ड को हिल गया थोड़ा सा। चलो घर की ओर। यहाँ पे बता हमारी दुकान है। पहुंच गए हम, पहुंच गए हम भी। कहाँ एक्साइटमेंट,
आज तो होगा एक्साइटमेंट क्या हमारी दुकान हुआ करती थी तो अच्छा आओ आप लोगों को पहाड़ी घर दिखाएं। ये है हमारे पहाड़ी घर का किचन एंड लिटिल लाउंज विद लो सीलिंग। ऊपर भी चेक करते हैं। ये हमारे पुराने पहाड़ी घरों के इंटीरियर्स। रात को मस्त तारे दिखाएंगे, मस्त तारे। ओ देखो दूर गांव की लाइटें। ये कौन है खेतों में लाइट मार रहा है? द पड़ोसी ताऊ जी घर जा रहे हैं। अपनी भिंडी उगाई हुई है, उगरी है अभी। और क्या क्या है? आई गेस वो हरी सब्जी, पता नहीं, हरी सब्जी दादी होने नहीं देती है, हरी सब्जी है मगर दादी को जैसे दिखती है ना वो निकाल लेती है उनको बनाने के लिए। वो इतनी सी होती है और तोड़ तार देती है कि इसे बना लो। तेरी छिपू जाए दादी तो होस्ट है। दादी ने तो बुलाया है। तू तो होस्ट है दादी, तू ही तो होस्ट है। बच्चों छो बाबा आपका बच्चों अभी तो तुम बिजा बच्चों दादी है। हाँ आप देखो आशीर्वाद चितन अमृत पियो चितन अमृत देखो तब। हाँ राज को चैनल है। अच्छी बात सब अच्छी नौकरियों पर लग गया ना। हाँ जी अच्छा बाप रे पैर पर खड़ा रहा कुछ कर नहीं रहे थे तो वो तीन बोली छाना कुछ नहीं करना तो घर आ जा। यूं भी नहीं करना छा कुछ नहीं कर रहे नहीं नहीं भाई मैं कर रहा हूँ सब से बड़े हैं फोन कैमरा गया ये बात हाँ। वो फोटो ऊपर लगी हुई थी। कौन किसकी फोटो है ये? हाँ ये आदमी बाबा में अभी तो जवान छे दादी यार है जवान छे अभी तो फोटो नहीं पापा की पापा के बचपन की। यस अब हम फोड़ेंगे थोड़े पटाखे। बहुत ही छोटा था यार। अब ये छुटके पटाखे पहाड़ों में पहुंच के टाइम जैसे स्लो सा हो जाता है। पहाड़ों की ये शांति और पहाड़ों की ये साफ सुथरी हवा को हमने अपने डिनर टेबल पे खूब एंजॉय किया। सोने से पहले ऊनो का एक गेम और इन क्लियर स्काइज में स्टार गेजिंग तो बनती है बॉस। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, टाइम टू से गुड नाइट। और कल सुबह होते ही हम लोग इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।